विश्व जागृति मिशन धोपा मंदिर कमेटी के द्वारा आज भगवान शिव की महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी शिव भक्तों के साथ श्री धोपेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में सुंदर दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने अपने कर कमलों द्वारा आरती का आयोजन किया। इस अवसर पर कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने कहा कि जो यहाँ दीपदान का भव्य नज़ारा देखा उसे बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने कहा, यह तो मुझे एक स्वर की अनुभूति हो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात शिव जी बहुत ही सुंदर दर्शन दिए हों। इसके लिए आपको बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया है, और सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। भगवान उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनाए रखे, उनको स्वस्थ रखे। ये धोपेश्वर मंदिर बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, यह मिलिट्री की जगह पर बना हुआ है। यहाँ द्रौपदी की राजधानी में द्रौपदी जी पूजा का ये एक स्थान रहा है। इसमें लाखों दीपक जलाकर और पूरा भक्त जन समुदाय इकट्ठा होता है, और यहाँ की मान्यताएं हैं जिन भी स्त्रियों और परिवारों में बच्चे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है वो यहाँ तालाब में नहाएं और उनकी पूजा अर्चना करें, उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और इस तालाब की एक विशेषता और है, किसी के कोई भी बीमारी है अगर इस तालाब में नहाता है तो उसकी वो बीमारी दूर हो जाती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।